ओम भास्कराय नमः। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। सूर्य देवता समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाले देवता हैं। रविवार का व्रत सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सूर्य देवता सौर्य मंडल के केंद्र में स्थित है। रविवार का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए धूप, अगरबत्ती, चंदन की लकड़ी, फूल और विशेष प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए। व्रत आरंभ करने से पहले रविवार व्रत की कथा परिवार के सभी सदस्यों को सुनानी चाहिए। इसके बाद व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत के दौरान तेल, नींबू के रस वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। रविवार का व्रत पूरे दिन चलता है और उसे अगले दिन सूर्य को जल अर्पण करके ही खोला जाता है। नारद पुराण में यह लिखा है कि रविवार को व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। इस व्रत से बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और दिमाग भी तेज होता है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले रविवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा कर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच कर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा
घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तू हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगा कर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बाज स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान की जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आधी चलाई। आधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जलने भुनने लगी। तब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सुझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर
राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसे यह गाय मैंने दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए।